तो दोस्तों ये है मेरे पास Realme 7 Pro मोबाइल, और Realme 7 Pro का मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया। अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme 7 Pro का 1 आवर पबजी टेस्ट, और पबजी टेस्ट के दौरान यहाँ पे दिखाऊंगा आपको हीट कितना हो रहा है, कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप इशू है या नहीं है, और बैटरी यहाँ पे कितना ड्रेन हो रहा है। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं आप देख रहे चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं Realme 7 Pro का 1 आवर पबजी टेस्ट। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो पबजी है इंडिया में बैन हो गया, वो वाला पबजी नहीं है, पबजी का कोरियन वर्सन है जो खेलने में मजा आएगा और आप खेल सकते हो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं सेटिंग्स दिखाऊंगा, क्या कौन सा सेटिंग्स में आप खेल पाओगे वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है वो है 6GB 128GB वाला वर्जन, और जिसमें 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो ये है हमारा स्टॉप वॉच, और इस स्टॉप वॉच में हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। और बैटरी अभी जो है मैंने बैटरी यहाँ पे देखो 100% कर लिया हूँ, 100% बैटरी है यहाँ पे। और हीट देखा जाए तो हीट यहाँ पे जो है वो है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे देखा जाए तो 31.9 डिग्री समथिंग। तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ के हम चलते हैं और देखेंगे यहाँ पे हीट कितना हो रहा है और क्या सेटिंग्स में आप खेल पाओगे। तो यहाँ मैं पबजी ओपन कर लिया और यहाँ पे स्टॉप वॉच भी चालू कर दिया हूँ। तो पबजी का जो सेटिंग्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 720G प्रोसेसर है, 6GB 128GB रैम है, 6GB रैम 128GB रोम है, और मैंने जो इसका ब्राइटनेस है यहाँ पे ब्राइटनेस फुल कर दिया हूँ ऑटो को बंद करके, और ये मैं वाईफाई कनेक्ट करके खेल रहा हूँ, और लोकेशन सर्विस यहाँ पे ऑन है, ठीक है। तो पबजी का ये केयर वर्जन है, मतलब कोरिया का वर्जन जो इंडिया बैन हुआ है वो वाला है नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हो गया डाउनलोड, आपको सेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूँ। तो 36.9 डिग्री हीट है जब हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ग्राफिक्स जो है आप HDR में नहीं खेल पाओगे यार, इतना पैसा में दाम है, सुपर एमोलेड है, 720G से HDR नहीं सपोर्ट करता, तो HDR आप नहीं खेल पाओगे। पता नहीं कोई अपडेट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन HDR हाई में आप खेल पाओगे, और स्मूथ में जाके स्मूथ हाई और स्मूथ अल्ट्रा में भी आप खेल पाओगे। तो पहले हम लोग आधा घंटा स्मूथ अल्ट्रा में खेलेंगे और फिर आधा घंटा HDR हाई में खेलेंगे। तो स्मूथ अल्ट्रा को हमने सेट कर लिया, और यहाँ पे कलरफुल को भी सेट कर लिया, और यहाँ पे मैंने ओके बोल रहा हूँ। ओके बोलने के बाद सेटिंग अप्लाई किया और बेसिक में जाके यहाँ पे जो जायरो है, जायरो को मैंने ऑलवेज ऑन कर दिया, और यहाँ पे पबजी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहले एक की कर चुके हैं, यानी यहाँ से बकड़े दिखा यानी मैं आगे बोम छोड़ दे। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना इस फोन का, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, और सुपर एमोलेड इससे पहले इतना अच्छा क्वालिटी नहीं था कोई मतलब रियलमी का कोई मोबाइल में, ठीक है। मैंने सैमसंग में देखा था, तो सैमसंग जैसा नहीं है, बट सैमसंग जैसा क्वालिटी आपको इस सुपर एमोलेड में मिल जाएगा रियलमी 7 प्रो, और खेलने में आपको बहुत ही बढ़िया मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा डिस्प्ले को लेकर। ऐसे तो फुल स्क्रीन है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जबरदस्त दिया है इस बार रियलमी ने।
डालूंगी। जो की है बुक के टाइप सी वाला, और आपको यहाँ पे नीचे फिर मिला के फोन, और इधर हमारा बुक हो चुका है। तो मिरर ब्लू फोन का नाम है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जैसे आपको पता है कि सुपर एमोलेड दिया गया है। और इनका साइज का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो फ्रंट कैमरा यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आधा घंटा हमने स्मूथ और अल्ट्रा में खेल लिया। खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अब हमने यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो अब ग्रास का कलर कैसे चेंज हो जाएगा। स्मूथ और अल्ट्रा में ये है, तो एचडी और हाई में करेंगे, और एचडी और हाई में जब करेंगे ना यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाता है। तो खेलने का एक्सपीरियंस एचडी और स्मूथ और अल्ट्रा में बहुत ही बढ़िया था। अब एचडी और हाई में करके यहाँ पे सेफ बोलते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये ग्रास। देखो ग्रास टोटल यहाँ पे चेंज हो गया है, और डिस्प्ले क्वालिटी और भी यहाँ पे बेहतर हो गया है। तो ऐसा तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, आपको स्मूथ अल्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एचडी हाई में और भी यहाँ पे बेहतर लगेगा। घर ऊपर आ भी ना घर ऊपर नहीं आ जे ए बस 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 वही घर तक पड़े। তো কি বলছি তাহলে আমাকে দিলে খুলবে তুই মর ওখানে সাইড আয় সাইড আয় মুখ রাখো তাহলে বড় সরো নিয়ে পড়েছে দুজনে আসছে गाड़ी आ जाए। ये मौसम की जो देखो ना ये राय एंगल मौसम चाका डैमेज कर दीजिए फिर दोस्तों। यहाँ पे एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, हमने एक घंटा यहाँ पे फ्री फायर पबजी कंप्लीट कर लिया। और एक घंटा पबजी खेलने के बाद अगर हीट चेक किया जाए
तो हीट देख लो यहाँ पे 36.9 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 3 डिग्री इंक्रीज हुआ है, ओनली 3 डिग्री। और अगर बैटरी देखा जाए तो बैटरी 100% था और 90%, मतलब 10% बैटरी, एक घंटे में 10% फुल ब्राइटनेस देके खेल रहा हूँ, 10% बैटरी यहाँ पे ओनली डिक्रीज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे खेलने का जो आपको एक्सपीरियंस रहेगा ना बॉस, बहुत ही बढ़िया। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप का कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। और खेलने का एक्सपीरियंस मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप पबजी लवर हो तो जरूर ये फोन को परचेस करना। 720G प्रोसेसर आपको थोड़ा सा हायर ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन HDR हाई में आपको बहुत ही यहाँ पे मजा आएगा। ग्राफिक्स के लेके कोई भी परेशान आपको नहीं होना होगा। और बैटरी आप सिर्फ देख लो 10%, और हीट ना के बराबर, 3 डिग्री हीट कोई होता है क्या पबजी में गेम में? तो हीट भी आपको इतना भी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, खेलने का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, बाय।